बॉलीवुड अदाकारा नीतू चंद्रा की नेशनल अवार्ड हासिल करने वाली मैथिली फिल्म मिथिला मखान को सातवें जागरण महोत्सव में दिखाया गया। नीतू ने अपनी इस होम प्रोडक्शन फिल्म के बारे में हमसे बात करते हुए कहा, मेरी नेशनल अवार्ड फिल्म मिथिला मखान यहाँ पे आज स्क्रीन की जा रही है ऑडी 3 में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जागरण ने इसे पिकअप किया है, बिकॉज आफ्टर नेशनल अवार्ड ये पहली बिहार की नेशनल अवार्डेड फिल्म है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है। और माई ब्रदर नितिन चंद्रा डायरेक्टेड दिस फिल्म, पहली मैथिली फिल्म है जिसको ये पोजिशनिंग मिली है, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड जितने भी फीमेल एक्ट्रेसेस जो प्रोड्यूसर्स बनी हैं, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम लकी दैट आई गॉट द फर्स्ट नेशनल अवार्ड। क्योंकि फिल्म मैथिली में रिलीज हुई थी, वहाँ के लोगों का आपने क्या रिएक्शन था? ये फिल्म को अक्टूबर एंड में हम रिलीज़ कर रहे हैं, लकली आई एम श्योर द रिएक्शन इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राइड की बात है कि हमें ये मौका मिला और लोग बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से रिलीज़ की जाए। आने वाले टाइम में और मैथिली लैंग्वेज में या जो भी रीजनल लैंग्वेज में पिक्चर बनाने की आपकी क्या कोशिश रही है? देखिए, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है मेरे भाई के साथ, उसका नाम है चंपारण टॉकीज़। हमने पहली फिल्म बनाई थी देसवा, दैट वाज अ भोजपुरी फिल्म, इट वेंट टू 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। तो कोशिश यही है कि अच्छी भोजपुरी फिल्म बनाई जाए। राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्ला खान की वो लैंग्वेज है, मेरी मदर टंग है, मैं बिहार से आती हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला था। और उसके बावजूद हमने उसके बाद हमने अभी मिथिला मखान बनाई है जिसे नेशनल अवार्ड मिला, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू रीजनल माई रूटेड फिल्म्स जिससे इज्जत बढ़ाते रहे हम अपने वहाँ की भाषाओं की। और ऑफ कोर्स हिंदी फिल्में हैं, एंड आई डू थिएटर, नेशनल अवार्ड है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स जो मैं कर रही हूँ। बिग बजट तो पता नहीं है लेकिन फिल्म ज़रूर प्रोड्यूस करूँ। वेल आई थिंक कंटेंट इज़ द बिग स्टार टुडे, एंड बजट भी डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट लेकर आ रहे हैं। मेरी अगली जो फिल्म प्रोड्यूस्ड और एक्टेड फिल्म है उसका नाम है लड़ाकू, इट्स अ मार्शल आर्ट्स फिल्म, क्योंकि मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, इट्स अ हिंदी फिल्म, आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th डैन, सो मुझे लगता है कि ये मौका मुझे ज़रूर मिलना चाहिए कि मैं एक मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म करूं, मैं नहीं तो कोई नहीं होना चाहिए। चंपारण टॉकीज द्वारा निर्मित और नीतू चंद्रा के भाई नितिन चंद्रा निर्देशित इस फिल्म की चर्चा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। न्यूज़ रूम से दीक्षा दीक्षित की रिपोर्ट।